लाइन लगा के लोग खरीदा रहे, बहुत अच्छी कंपनी है। बैक सेल के जब से हाथ बदला है और अभय सोई साहब जो चला रहे हैं उस पे स्ट्रीट बहुत बुलिश है, उनके एग्रेशन, उनकी स्ट्रेटजी को लेकर कहा जाता है बड़े बड़े। अभय सोई साहब से कई बार केवाईसी कर चुका हूँ, आज भी रिक्वेस्ट डाली, देखते मिल गए तो आज बातचीत करेंगे। चल क्या सुन रहे होंगे तो पक्का मिलेगा, तुमने इतनी तारीफ भी कर दी है। सुन रहे हैं क्या? 100%। अगर दिख गए तो सुन रहे थे, नहीं देखे तो पता चल जाएगा। चलिए, जब अपनी टीम में हमने क्या शामिल किया, एनटीपीसी। अब देखिए हम लोग इतने दिन से चर्चा कर रहे थे, एनटीपीसी के एक 21,000 करोड़ रुपए का 2000 मेगावाट का एक प्लांट है जो बिहार में लग रहा है, कोल बेस्ड है। तो उसमें एक कंपनी है टेक्नोप्रॉम करके, जो रूस की कंपनी है, वो वहाँ पे कुछ काम करती है, टेक्निकल काम, बॉयलर वगैरह सप्लाई करती, बनाती है। तो उसका जो पेमेंट है सिस्टम वो स्विफ्ट के ज़रिए होना है। अब उस पर लग गई रोक, क्योंकि स्विफ्ट के ज़रिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो गाड़ी फंस गई, यहाँ पे रुक गई है। कल इसका जवाब बाकायदा दिया गया। तो एनटीपीसी के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि एनटीपीसी का धंधा ही खराब हो रहा है कुछ भी, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ कि सैंक्शन का असर आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखना शुरू होगा। तो इसलिए एनटीपीसी में हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर के साथ काम होना चाहिए। हीरो मोटो, यहाँ पे भी दबाव के साथ काम होना चाहिए। कल इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जो जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि 800 करोड़ रुपए के जो बिल है उसकी जो है इन्होंने क्या साइफन ऑफ किया, मतलब कुछ गड़बड़ किया है उसमें, और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए उसकी बिलिंग की गई थी जो गड़बड़ है। कुछ ज़मीन भी खरीदी गई है उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो जो पिछले दिनों सर्च एंड सीजर हुआ था उसका ये परिणाम निकला है। तो जब पहले बार ये खबर आई थी तो स्टॉक बहुत नोज डाइव, 7% एक झटके में गिरा था, फिर 2 दिन में थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ क्योंकि कंपनी ने डिनाई किया था। अब दोबारा ये सच्चाई सामने आ गई, अब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर बनेगा, क्योंकि 800 करोड़ तो अभी मिल गए हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा और ये मामला कैसे खिंचेगा, कितना लंबा चलेगा, तो वो दिक्कत आएगी। एक तो ये है, दूसरा प्राइस हाइक के भी असर हैं। इसी क्रम में अतुल ऑटो भी जोड़िए, बजाज ऑटो भी जोड़िए, मारुति भी जोड़िए और टीवीएस मोटर जोड़िए, पूरे ऑटो पैक में आज मुझे लगता है कि रेड ट्रेड होना चाहिए। रीज़न नंबर 1, नंबर्स आने हैं। तो नंबर कितने इनकरेजिंग होंगे ये हम लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा उम्मीद से। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, यानी ओनरशिप ऑफ कार या बाइक बढ़ गई है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ गया है, कार के दाम खुद ही बढ़ गए और कार के दाम भी बढ़ गए। 2000 रुपये तो हीरो अनाउंस ही कर चुका है। प्लस नई गाड़ियां लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं, डिसीजन डिलेड है। ये एक चैनल चेक है, मैं अभी घूम के आया हूँ। नहीं क्या, मैं तो पुरानी बता सकता हूँ, कार ट्रेड का स्टॉक पिटे ही चले जा रहा है। तो नहीं देखिए, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। पेट्रोल डीजल महंगा, सीएनजी महंगा, गाड़ी की कीमत महंगी और गाड़ी का इंश्योरेंस भी महंगा। तो सब कुछ अगर महंगा होगा तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। रिटेल डिमांड वैसी ठंडी थी और खासतौर पर एंट्री लेवल, कोई मारुति, कोई हीरो मोटोकॉर्प, इनके एंट्री लेवल से ज्यादा ट्रैक्शन आता है और उसमें कहा जाता है ये इम्पैक्ट करता है ओनरशिप कॉस्ट, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़। एग्जैक्टली, बहुत अरे मैटर करता भाई। 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल अगर आपको छोटे छोटे शहरों में मिलने लगा तो फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे तो पहले अंदाजा नहीं था कि एक बाइक वाइक कितने की मिलती है। 70-75 हज़ार से कम की एंट्री लेवल की बाइक भी नहीं है, एवरेज बाइक 75-70 हज़ार की मिलती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आज ये सेंटिमेंट के तौर पर प्रेशर करना चाहिए सेक्टर। अरे आज तो ऑटो नंबर्स का दिन था। ठीक है, अब देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं।